चल ध्यान रख, जय श्री श्याम। फाइनली अब नई राइड स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम बस अड्डे टू गोविंदपुरम, देखते हैं क्या हिसाब है। चल भाई उठान स्टार्ट हो जा, बाय। ये है फेमस बस अड्डा, बस अड्डा आ गया है। बस अड्डे से गोविंदपुरम की राइड दिखाऊंगा, देखना रास्ते में कितने लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ये देखो एक भाई सब ये जा रहे हैं। भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है आरटीओ वालों से, प्लीज़ ट्रैफिक वालों, ट्रैफिक पुलिस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, दोज हू ब्रिंग बैड लक टू अदर पीपल, दोज हू आर मूविंग ऑन द रोड। ये दूसरों के काल हैं, ट्रस्ट में इन लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा। कोई राइडर की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो तो रेयरस्ट ऑफ द रेयरस्ट केस में अगर कभी हो जाए, बट ऐसे गधे लोगों की वजह से कोई कहीं भी चौराहे में खड़े हो जाओ, निकलो, हाईवे पे है ये, NH8 है, यहाँ पर आदमी को वक्त नहीं लगता लेट होने में। मेरे गाजियाबाद से सेट मस्त है, मज़ा आता है, बट वही है कि एक्सेस ऑफ व्हीकल, पीपल दोज आर यूजिंग सिंगल व्हीकल, लाइक इज अ फोर सीटर कार, सिंगल पर्सन इज यूजिंग बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा क्या होता है। देखो वो है, इस बिल्डिंग के पीछे है गौर मॉल राजनगर, ये एक्सटेंशन है राजनगर राजाओं का, ये कभी नगर इधर लगता है, साइड कभी नगर लगता है, राजाओं का एरिया है। मतलब यहाँ पर आप घर देखोगे तो मतलब हर दूसरा अगर आपको ऐसा लगे वाओ वाओ वाओ, मतलब जितने की हम इन्वेस्टमेंट घर पे करते ना उतना कारों में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता हूँ। ये सिनेरियो है। फाइनली ये माउंट मुझे लगता है पास हो गया, बट इसमें थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफिकेशन करूँ तो दिस विल लाइक वर्क प्रॉपर। 150 रुपये का अगर इसमें मॉडिफिकेशन और मैं कर दूँ तो ये मैम अब गधे आदमी, देखा आपने किस तरीके से ऑटो मोड़ दिया। ये है कार, ये ऑटो वालों की बहुत कमी कह दो या क्या बना है कि आप वहाँ दो ही तुरंत मुड़ जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अंधेरे पीछे रहने से अब गूगल ट्रेन है तो रेस आँखें भी बची रहती हैं, आँखें एयर प्रेशर से बच रहता है, आँखें साफ रहती है। रोड पे आप देखेंगे तो जीवन चलता हुआ देखेंगे, जैसे साइकिल वाला, पैदल, गाड़ी वाला, ट्रक वाला, जिंदगी का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। हर कोई बस संघर्ष करता है जीवन यापन करने के लिए, बस बस एक रीजन है ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन ने बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, प्राइवेट जॉब में जाओ एम्प्लॉयमेंट जितने हैं पे नहीं मिलती, सिक्योरिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर आदमी फॉरन वेल्थ बताते हैं वेस्ट नहीं, हमारे रिसोर्सेज जितने हैं उससे कम पॉपुलेशन, हमारे रिसोर्सेज से 50 लाख गुना ज़्यादा पॉपुलेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉब्लम और कुछ है। लोगों को बेसिक ये नहीं पता है कि कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, किधर खड़ा होना है, गाड़ी कैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रहनी है, तो देश में कैसे तरक्की, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, अबे सरकार कब तक क्या क्या करेगी, भूख तो
तुम्हें लगी कि सरकार थोड़ी खिलाने आएगी, सरकार राशन बता सकती है कहाँ मिला, राशन फ्री में जो दे सकती है वो दे सकती है, बना के तो तुम्हें ही खाना है। लेकिन नहीं, हम इंडियंस, नॉट एवरी इंडियन लाइफ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारी जनरेशन सुधर रही है, समझ में आ रहा है उसको क्या करना है, मेहनत कर रही है। कुछ हैं असामाजिक तत्व, स्पेशली दोज हू हैव गुड मनी बैकग्राउंड। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, क्या हुआ? ओ देख के, ओ अबे क्या हो गया, मेरे से छूट के ये पूछ रहा है ना, बताया अबे अबे जिनने बचाया उन्हें मारने जा रहा है। अरे जाओ भाई, ये दूसरों का काल है, ये जाने दो। देखा कैसे लोग पीपी के बहनचोद चुतियापा कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना लोगों, ये हैं दूसरों के काल। और हर आदमी गरीब को दबाने में लगा पड़ा है, मत करो भाई, ऐसे मत करो। जब इंसान आम आदमी का आ गया ना तो सैकड़ों के मरेगा, कोई वाला सीन है। आदमी जब तक आम आदमी शांत है, शांत है। अगर आम आदमी को ठंडा करोगे, ठीक करोगे और तो क्या है, क्या मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे लग गया ना मार। एक दोस्त ने जिस पुलिस वाले की भाई कैसे कैसे कर दिया, बुलेट खींचते खींचते उसको नानी आना ना लगाए लोग मिलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग, आई विश कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, लाइक आई एम नॉट दैट मच, मेरे पास टू बी वेरी ट्रू इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं आ रहा है कि मैं बड़े बड़े राइडर में जाऊँ, बड़े बड़े शूट करूँ। ट्राइंग माई बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा शूट कर सकूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा हूँ। टैक्सी क्या कर सकते हैं यार, बात ये है और साहब भी सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग प्रेजेंट करूँ, है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट मी, support me increasing my followers on
हो चुके हैं अपनी मेहनत से बिना एक रुपये लगाए, लाइक जो हूँ वो ही दिखाया, लोगों ने पसंद भी किया है, ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं रियलिटी प्रेजेंट करने में विश्वास रखता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाना चाहता या शोबाजी नहीं करना चाहता कि भाई लोग क्या दिखा दिया, जो भी करूँगा बिल्कुल रॉ एंड रियलिटी। फालतू का ड्रामा दिखा के फ़ायदा क्या यार, लोगों को गुमराह क्यों करें? आजकल फूड ब्लॉगिंग हो रही, इतना पागल बनाते हैं, अरे क्या कचौड़ी है और क्या ये है क्या वो है ऐसा है वैसा है, भाई कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, मत बनाओ यार पब्लिक को पागल। बेचारे ठेले वालों को पॉपुलर करो ना, जो मेहनत करके रोज़ ताज़ा लेके आते हैं, अच्छा ला रहे हैं, ताज़ा ला रहे हैं, बढ़िया ला रहे हैं, ला रहे हैं, उनकी कोई वीडियो बनाना नहीं पसंद करता। हाँ जी ना, उससे क्या पैसे मिल रहे हैं, उससे क्यों पैसे मिलेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें पैसे देंगे, भाई मैं इतना दूंगा उतना दूंगा, ऐसे दिखाते हैं जैसे ओ माय गॉड क्या फूड बना रहे हैं, अमृती खिला रहे हैं जैसे, उनको देख के भाई हर इंसान की अपनी फैन फॉलोइंग है, उनको देख के फिर और लोग पहुँचते हैं, वाओ वाओ वाला सबको सेगमेंट दिखने लगता है, ऐसा है वैसा है, अरे कुछ नहीं है भाई, जाओ देखो ना, रिव्यू डालो ना, देखो जाके, क्यों पब्लिक को पागल बना रहे हो, नहीं बना देगा, जैसे हो वैसे रहो, मत बनाओ यार पागल, कैसा भी इसका रहा तो अच्छी जगह का ब्लॉग, अच्छा रिव्यू डालो, रियल रिव्यू डालो, उससे आप अपनी फैन फॉलोइंग खराब कर सकते हो। पावर बना के मिलेगा क्या, कुछ दिन के व्यूज़, कुछ दिन की पॉपुलैरिटी, उसके बाद तो ऐसा काम करो जीवन भर आदमी याद रखे, वो अच्छा काम करो क्योंकि हो सकता है बुरा काम करो, बट क्या है बहन चूज हमें तो पॉपुलर होना है भाई, हम अच्छा ब्लॉग कर रहे, अच्छे काम कर रहे हैं, लिटरली 12 साल से काम कर रहा हूँ मैं के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और वीडियो बनाना शुरू, 15 लाइक नहीं आते, 15 व्यूज़ नहीं आते हैं, जो लोग नंगे नाच रहे हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, करोड़ों लाखों के व्यूज एंड मोनेटाइजेशन हो जाता है सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ भीख मांगते रहो भाई, कर दो कुछ सपोर्ट कर दो, अपने लिए भी नहीं मांग रहे हैं, अपन तो एक होके भी रह सकते हैं कई दिन, उन जानवरों के लिए मांग रहे जो बेचारे किसी से कुछ कह नहीं सकते, उनको भी देने में मौत आती है, हम क्यों दें, ये तो खा जाएगा भाई, मत करो, फूड भिजवा दो, एड्रेस ले लो, हेल्प कर सकते हो तो कर दो ना भाई, 5,000 की दारू पी सकते हो जाके बार में, 2,000 रुपये का 10 दिन का किसी का अगर फूड हो सकता है तो वो देने में मौत आती है, और मत दो यार एक रोटी घर से निकालो यार, एक रोटी निकाल के डाल दो, ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो जानवरों को जो खाना लगा रहे हैं उससे खाना पीन के खा रहे हैं, मजबूरी है, किसी को शौक नहीं होता है, ना तो सिर्फ पता मोटे पैसा कमाना है, दुनिया में लगाना है, स्पेशली जानवरों को इंसानों को तो मैं खाना विश्वास नहीं रखता जब तक मुझे ना लगे, बट उनको खिलाना है, दो नो वन वाला है, ब्लॉक कंप्लीट होने वाला है, फिर से हम जोड़ के प्यार से रिक्वेस्ट करके, आई वांट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन, लाइक एज मच एज यू कैन, रिकमेंड फ्रेंड्स, रिकमेंड मी इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, टेल मी, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, बेटर करूँगा, कोशिश करूँगा और बेटर ब्लॉग लेके आ सकूँ, अकेले मतलब अकेला इन द सेंस कि खुद करता हूँ सब काम, तो टाइम वो प्रोसीजर नहीं आ पाता, लेकिन हाँ जब अर्निंग आना शुरू हो जाएगी तो टेक हेल्प फ्रॉम पीपल फ्रॉम द प्रोफेशनल वन, ताकि मैं और अच्छा ब्लॉग कर सकूँ। चलो टिल देन जल्दी से बाय करते हैं, बाय बाय।